अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दारिस खान वर्ल्ड। जी तो मेरे बाबा लेटे हुए आराम से खेल रहे थे गेम, और हमारी तो यही काम है कि उनका करना है हमें सुकून बर्बाद। मैं यहाँ पर था और स्पीकर के साथ खेल रहा था, लेकिन फिर आप ही आई और उन्होंने कहा बाबा प्लीज ले चले ना बाहर, और कर दिया उनका सुकून बर्बाद। फाइनली हम जाने को हो गए तैयार और चला ये रास्ता। जा कहाँ रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। हम जा रहे हैं आज पीका बियर। पीका बियर के बारे में तो सुना होगा ना? नहीं। कराची में रहते हैं तो सुना ही होगा, बहुत अच्छी प्लेस है। ओ, ऐसा है क्या? तीन ब्रांचेस हैं इसकी, एक है ओशियन मॉल में, एक नॉर्थ वॉक में और एक है जौहर में। हाँ भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। हम जा रहे हैं जौहर ब्रांच। जी तू आ गया क्या? जी तो ये है मेन एंट्री। हम पहुंच चुके हैं पीका बियर, सामने ही है कैफेटेरिया, और यहाँ पर आज था पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच। ये लोग ये देख रहे थे, वेल हमें क्या, हमें तो एंजॉयमेंट से मतलब है, हम तो अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे पीका बियर एक इंटरेस्टिंग प्लेस है बच्चों के लिए। यहाँ पर सैलून भी है, जिम भी है, मदर्स आराम से आकर सैलून में बैठ जाएं या जिम चली जाएं और बच्चों को भेज दें उनके फेवरेट प्लेस यानी प्ले एरिया में। ये है रिसेप्शन, यहाँ से मिलता है यहाँ का बैंड, 650 रुपीस का है, बाकी वीकेंड्स के अलग चार्जेस हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर काफ़ी सारी अमेनिटीज़ हैं, लेकिन हमारा तो इंटरेस्ट सिर्फ प्ले एरिया में है ना। बात तो सही है। तो अब हम जाएंगे अंदर, यहाँ पर गेमिंग जोन है, बड़े बच्चे इधर भी आके बहुत इंजॉय करते हैं। अब हम चले अंदर और सबसे पहले बैठे थोड़ी देर, क्योंकि स्टेयर से ऊपर आए थे ना, तो जिन्होंने मुझे गोद में लिया था वो लोग तो थक गए थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। पीका बियर का ये बोर्ड, इसमें बहुत सारी लाइट्स थी, रंग बिरंगी, डिफरेंट, बड़ी अच्छी लग रही थी, और यहाँ पर एक बहुत कूल म्यूजिक भी चलता है जो बहुत अच्छा लगता है। ये है टाइमिंग स्लॉट्स, और आपको इन टाइमिंग स्लॉट्स के मुताबिक ही यहाँ पे आना चाहिए ताकि आपको वेट ना करना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शू रैग अलग बना है ताकि बच्चे अंदर जाने से पहले अपने शूज उतार लें। ये है वेटिंग एरिया, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने लगाया था एसी ताकि लोग आराम से बैठ सकें। अब मैं हो गया हूँ एंटर, ये खुश हो रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसकी एंट्री बहुत प्यारी है। यहाँ पर होती है बर्थडे सेलिब्रेशन, और इस साइड पे आप जाएंगे तो ये है पिट बॉल्स। बॉल्स डालते हैं ना तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है ऊपर तक। ये देखिए, ये वाली जगह पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देख कर के बॉल्स नीचे से ऊपर कैसे जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जाती है। ये देखिए, ये बॉल्स इधर कभी उधर, बहुत अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे बच्चे प्ले कर रहे थे, अपने अपने अंदाज में खेल रहे थे। बहुत प्यारी जगह है, बहुत हाइजेनिक और साफ सुथरी चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। उस हिसाब से यहाँ का टिकट तो कुछ भी नहीं, आप लोग को जरूर विजिट करना चाहिए। और जिस तरह का मौसम है ना कराची का, तो हमें इंडोर पार्क से जाना चाहिए क्योंकि ये हाइजेनिक होते हैं। इसके बाद हम गए आगे, और ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट टॉयज हैं, इस पे बच्चे बैठते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। लाइटनिंग भी बहुत सूदिंग थी, ब्लू ब्लू सा था सब, बहुत सुकून मिल रहा था। इन बॉल से तो बच्चे इतने मज़े से खेल रहे थे ना कि उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं लेके बॉल इसके अंदर डालूं और जो ऊपर तक जाए, लेकिन क्या करूं, मैं तो अभी छोटा हूँ ना, सिर्फ देखता ही रहता हूँ चीज़ें। ये रहा मैं, आप लोग भी दुआ करें मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, चलने लगूँगा ना अपनी तरफ से सारी चीज़ें खुद ही खेला करूँगा।
और मम्मा ने मुझे लिटाया यहाँ पर रंग बिरंगी बॉल्स में, यहाँ तो एंजॉय कर सकता हूँ, क्या करना है, सिर्फ लेटना ही तो है। यहाँ पर भी एसी चल रहे थे। इस एरिया में होती है स्लाइड्स, और ये एक ओवरव्यू जो देखिए, यहाँ पर सारे बच्चे बहुत अच्छी फैमिलीज के थे, कोई किसी को ना धक्का दे रहा था, ना कोई क्राउड था, प्ले एरिया इतना प्यारा था। यहाँ पर तो बच्चे मार रहे थे बॉल्स, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, इस पे मारते हैं बॉल्स और खेलते हैं। वहाँ आंटी ने मुझे ये दिया, मैं सबसे छोटा था वहाँ पर, मेरे लिए लेके आई थी ये सॉफ्ट सा टॉय, इसके साथ भी मैं थोड़ी देर बैठा था और कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं इसके साथ, वो आप लोग मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। अंदर गए तो यहाँ पर भी एक सॉफ्ट प्ले एरिया था जहाँ पर लगी थी स्लाइड, बच्चे यहाँ भी खेल रहे थे, और स्लाइड के साथ ये हैंगिंग्स थी, स्क्वॉयस लगे थे। एक लिमिटेड पैसों में बहुत अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है यहाँ पर। यहाँ पे बैठ के मैंने पिक्चर्स ले ली थी, इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं कर सकता ना। सॉफ्ट एरिया था इस वजह से मैं यहाँ पर ही बैठ गया। ये छोटे छोटे से टॉयज थे। ओवरव्यू में तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं आप आराम से, और अच्छी बात है कि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर ही लें, क्योंकि बच्चे जो आएंगे ना बर्थडे में, उनको तो यहाँ खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा, और आपकी बर्थडे भी हो जाएगी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा मैजिक शो भी होता है यहाँ पर, ऊपर के जो बलून्स थे ना वो देख के दिल चाह रहा था कि मैं अपने हाथ में ही ले लूँ। इधर उधर देख रहा हूँ बहुत, पीछे देखो, पीछे, पीछे तू देखो। अच्छी अच्छी चीजें हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, और मेरी उम्र के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि वो आराम से बॉल्स पे लेट सकते हैं, इन बॉक्सेस पे लेट सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर 1 to 10 ईयर्स के बच्चे अलाउ हैं, तो आराम से इजीली अंदर जाके खेल सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स होती हैं यहाँ पर, वो आपको संभाल लेंगी, कोई मसला नहीं है। वैसे तो मम्मा पापा के साथ भी आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेंगी 2 slots, एक स्लॉट होती है जो है 45 minutes की, उसमें आपको 45 minutes टाइम मिलता है फन करने के लिए, और दूसरी स्लॉट है 90 मिनट्स की। ओहो, ये तो देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हो गया था मैजिक शो। ये अंकल बड़े अच्छे से मैजिक दिखा रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते थे कि हम एकदम हैरान हो जाते थे। कार्ड्स वाला भी दिखाया इन्होंने, ये सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा सा हूँ। बस अब क्या करना था, एक दफ़ा और चले गए इस तरफ। यहाँ पर प्ले एरिया था, ये भी सॉफ्ट था, इसके ऊपर बच्चे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग वॉल है, और यहाँ पर बैठ के मैंने थोड़े से शॉर्ट्स बनाए अपने। इधर यहाँ पे बच्चे बहुत सारे अभी चढ़े हुए थे, टाइम ख़त्म होने वाला है ना, इस वजह से बच्चे बाहर जाना शुरू हो गए थे। बस लास्ट शॉट मैंने यहाँ पर लिया अपना, और एक ओवरव्यू दे दिया पूरा आप लोगों को। यकीनन जगह बहुत अच्छी लगी होगी, हाइजेनिक है, ज़रूर आइएगा। अब बस मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही हूँ वापस, ऊपर जाते हैं, यहाँ से रास्ता बाहर की तरफ जाता है और हम निकल जाएंगे दोबारा अपने घर की जानेब। आज पीका बेयर में बहुत मज़ा आया, बहुत रीजनेबल है, कराची वालों के लिए तो बेस्ट प्लेस है, मस्ट विजिट, ज़रूर जाइएगा। इसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ गए और आने लगे वापस। वापसी में भी हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, शुक्र, वरना तो कराची का ट्रैफिक उफ़ अल्लाह बहुत ही बुरा है। अब हम जा रहे हैं वापस। डू सब्सक्राइब माई चैनल और पीका बेयर जाना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी जगह है ये, आप सबको वहाँ जाकर बहुत मज़ा आएगा। और ये मेरी लास्ट पिक्चर देख लीजिए वहाँ पर उसके साथ, पीका बेयर के साथ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, बाय।